अयोध्या के कर लेते हैं, जहां भारी बारिश के बाद लोग बेबस नजर आ रहे हैं। अयोध्या के अमेठी से जोड़ने वाली रोड बारिश में बह गई। ये सड़क अमेठी से अयोध्या के कामाख्या धाम पहुंचने तक का मुख्य मार्ग भी है। अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील के अमेठी जनपद से जोड़ने वाली ये सड़क लगभग 3 मीटर चौड़ाई में पूरी तरह कटकर बह गई है, और जहां सड़क टूटी है वहां पर लगभग 10 फुट नीचे गड्ढा हो गया है, जिसके कारण लगभग 12 से अधिक गांव के लगभग 5000 लोगों के अलावा बड़ी संख्या से इस मार्ग से कामाख्या धाम जाने वाले दर्शनार्थी भी प्रभावित हो रहे हैं। अयोध्या के अमेठी से जोड़ने वाली ये रोड ध्वस्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर अवस्था में आपको ये रोड की स्थिति लग रही है। कामाख्या अयोध्या के अमेठी से जोड़ने वाली ये रोड थी, जो अब जर्जर स्थिति में दिखाई दे रही है, कटती हुई नजर आ रही है। बाढ़ का प्रकोप है ये, बरसात का प्रकोप है ये, और अयोध्या की ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से मशक्कत के बाद लोग आना और जाना कर पा रहे हैं। हर जगह पर रोड्स बाधित होती हुई नजर आ रही है। गोंडा में एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश गोंडा सीएमओ को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खबर लिया संज्ञान में। कटरा बाजार सीएससी में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर की जा रही थी अवैध वसूली। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर अजय यादव द्वारा लिया गया था 500 की घूस, और अवैध वसूली की प्रमुखता से एबीपी गंगा ने चलाई थी खबर। तो एबीपी गंगा का असर देखने को मिल रहा है गोंडा में, एबीपी गंगा की खबर का असर, जहां स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए और गोंडा सीएमओ के जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गोंडा सीएमओ को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खबर लिया था संज्ञान में। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के राज से पर्दा उठने वाला है। 14 जुलाई से पहले कभी भी एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन इस बीच पूरे देश जानना चाहती है कि आखिर अतीक की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, एसआईटी की चार्जशीट में क्या खास है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिस जवाब का पूरे देश को इंतजार है, वो जवाब सबके सामने आने वाला है। अतीक के कत्ल से पर्दा उठने वाला है। सबसे बड़े माफिया को किसने मारा, इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। जहां 15 अप्रैल की इस खौफनाक वारदात के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सूबे के सबसे बड़े माफिया की हत्या के पीछे वो सफेद पोश कौन है, किसके इशारे पर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई, किसने शूटरों को हथियार सप्लाई किया, किसने और कहां इन्हें ट्रेनिंग दी, कैसे रात के अंधेरे में कॉलविन अस्पताल पहुंच गए थे शूटर। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हर राज बताएंगे, जांच में क्या कुछ सामने आया है ये भी बताएंगे, क्योंकि एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और हत्याकांड के 90 दिन पूरे होने से पहले किसी भी दिन एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों की माने तो एसआईटी अगले 2 से 3 दिनों में अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी, क्योंकि 14 जुलाई को हत्याकांड के 90 दिन पूरे हो रहे हैं। इससे पहले माना जा रहा है कि एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर देगी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी 80 से ज्यादा दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी 3 कदम से आगे नहीं बढ़ सकी है। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी उन्हीं 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी जो मौके से पकड़े गए थे। एसआईटी चार्जशीट में जांच पूरी होने का भी दावा करेगी।
जांच के लिए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमित शर्मा ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र की अध्यक्षता में गठित थी, जिसमें एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शामिल हैं। 15 अप्रैल को धूमनगंज थाना पुलिस की कस्टडी में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। कॉल्विन अस्पताल में उनका मेडिकल कराने ले जाने के दौरान हत्या की गई थी। मौके से 3 शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य गिरफ्तार किए गए थे। शूटर ने तुर्की की जिगाना और गिरसान पिस्टल के साथ ही एक देसी पिस्टल से हत्या की थी। शूटर्स को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने असलहे भी बरामद कर लिए थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अतीक अशरफ के हत्यारों का कबूलनामा था कि नाम कमाने और रातोंरात डॉन बनने के लिए इन्होंने हत्या की थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि एसआईटी हत्याकांड के पीछे असली साजिशकर्ता तक नहीं पहुंच सकी है। 14 जुलाई को फिर से आरोपियों की सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जा सकती है, इसलिए अब सभी की निगाहें एसआईटी की चार्जशीट पर टिकी है। टमाटर की आसमान छूती हुई कीमतों के बीच सरकार के धरने के लिए टमाटर की सुरक्षा में सरकार को घेरने के लिए टमाटर की सुरक्षा में बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अजीत फौजी को क्राइम ब्रांच शिद्दत से तलाश रही है, जबकि सब्जी दुकानदार और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टमाटर की सुरक्षा में बाउंसर है ना, हैरान करने वाली खबर। ये तस्वीरें जिसने भी देखी और सुनी उसका माथा घूम गया। अजब यूपी की ये गजब कहानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों पहले ही ये तस्वीरें वाराणसी की गलियों से होकर देश भर में पहुंची थी। गंगा किनारे यानी वाराणसी के रहने वाले लोग तो लगे हाथ टमाटर की सुरक्षा में बाउंसर वाली इस दुकान का दीदार करने निकल पड़े। सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले भी देखकर गुदगुदाते रहे, क्योंकि तस्वीरें ही ऐसी थी। देखिए, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त अंदाज वाले सफारी सूट पहने बाउंसर सब्जी की दुकान के बाहर खड़े हैं, और तो और दुकान में सख्त हिदायत वाले बोर्ड भी लगे हैं, पहले पैसा बाद में टमाटर, कृपया टमाटर और मिर्च को न छुएं। लेकिन अब इस दुकान को सजाने वाले जेल के सलाखों में पहुंच गए हैं। टमाटर की सुरक्षा में 2 बाउंसर लगाकर सुर्खियां बटोरने के मामले में पुलिस ने सब्जी बेचने वाले जग नारायण और उसके बेटे विकास को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल बाउंसर वाली टमाटर की दुकान सजाने के पीछे अजय यादव उर्फ अजय फौजी नाम के एक सपा कार्यकर्ता की खुराफात सामने आ रही है, जिसे अब पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। सपा नेता की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी है। पुलिस का कहना है कि अजय यादव को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बेटे पर शिकंजा कसने के बाद अजय यादव फौजी के पिता और एयरफोर्स से रिटायर्ड सपा के कद्दावर नेता सतीश फौजी ने अपनी तरफ से गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की है। सतीश फौजी ने बीमार पत्नी और पारिवारिक समस्याओं की दुहाई दी है। इधर बाउंसर की सुरक्षा में टमाटर बेचने वाली इस दुकान का मुआयना करने नगर निगम की टीम भी भेलूपुर जोनल अधिकारी जेके आनंद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। दुकान और मकान की लंबाई चौड़ाई की जांच पड़ताल की गई। पुलिस की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि सपा कार्यकर्ता अजय यादव ने दूसरे की सब्जी की दुकान को अपना बताते हुए 2 बाउंसर की तैनाती कर दी थी। सपा नेता ने अपने इस प्रयोग के जरिए सरकार को महंगाई पर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद मुश्किलों में घिर गए हैं। लेकिन सपा का कहना है कि राजनीति में प्रतीकात्मक विरोध होता है, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से बाउंसर की सुरक्षा में टमाटर वाले इस दुकान का वीडियो ट्वीट किया था और लिखा था कि भाजपा टमाटर को जेड प्लस सुरक्षा दे। लेकिन सब्जी वाले और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया है कि जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान न हो, वहां समझ लेना चाहिए कि दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है।
जाहिर है शासन और प्रशासन अपने तरीके से काम करता है और ये भी गलत नहीं कि सियासत में प्रतीकात्मक विरोध भी कोई चीज होती है, लेकिन फिलहाल तो टमाटर वाला दुकानदार, टमाटर की सुरक्षा करने वाला बाउंसर और सियासत चमकाने के लिए बाउंसर हायर करने वाला सपा नेता सभी टमाटर वाली सियासत के शिकार हो गए हैं। खबर गुजरात के सूरत से, जहां चोरों की नजर गहनों पर नहीं टमाटर पर पड़ी है और यहां की मंडी से ये शातिर चोर करीब 150 किलो टमाटर लेकर फरार हो गया। अब तक आपने सोने चांदी के जेवरों, रुपयों, पैसों, महंगे मोबाइल, लैपटॉप जैसे कीमती चीजों की चोरी के मामले तो कई बार देखे और सुने होंगे, लेकिन इन दिनों आसमान छूती सब्जियों की कीमतों के चलते ये भी अब चोरों के निशाने पर आ गई। यकीन नहीं तो ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। गुजरात के सूरत शहर की सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा ये शातिर चोर टमाटर की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, फिर घूमते घूमते अचानक इसके हाथ 50-50 किलो की 3 कैरेट लग गई। सब्जी मंडी से ये चोर 150 किलो टमाटर के साथ बैंगन और लहसुन की भी पोटलियां उड़ा ले गया और इसकी ये करतूत मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूरत में ही 3 दिन पहले बड़े वारछा इलाके से 17 कट्टे आलू चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आम आदमी के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया, वहीं दूसरी ओर सब्जियों की चोरी से विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बाउंसरों के साथ टमाटर बेच रहे एक सब्जी विक्रेता की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है। इससे साफ है कि टमाटर के भाव इन दिनों कुछ ज्यादा ही चढ़ गए हैं। दरअसल मॉनसून सीजन में शेयरों से भी ज्यादा तेज अगर किसी चीज के भाव चढ़े हैं तो वो है टमाटर, जो इन दिनों और लाल हो गया है और आम आदमी की थाली से दूर होता जा रहा है। फलों में सेब से और ईंधन में पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा महंगे हो चुके टमाटर को अफोर्ड करना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जो लोग पहले 1 किलो टमाटर ले रहे थे वो भी अब 250 ग्राम से ही काम चला रहे हैं। फुटकर मंडी में टमाटर 140 रुपए से लेकर 160 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। कानपुर से खबर है, जहां जान जोखिम में डालकर युवक लगा रहे हैं गंगा में छलांग। बिजली के पोल में चढ़कर युवक लगा रहे हैं गंगा में छलांग। युवकों का गंगा में छलांग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कोहना थाना क्षेत्र का ये मामला, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर युवक लगा रहे हैं गंगा में छलांग। ये देखिए किस तरीके से पोल पर चढ़े और फिर उतने ऊंची हाइट से गंगा में गोता मारते हुए नजर आ रहे हैं। जान को जोखिम डालने वाला ये वीडियो है, काफी खतरनाक वीडियो है और सभी से ये आग्रह रहेगा कि आप ऐसे कारनामे बिल्कुल ना करें। खबर आ रही है बड़कोट से, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड होती है और यमुनोत्री हाईवे NH-123 अगलाड़ पुलिस पुल के पास भारी भूस्खलन होता है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर भरभरा कर गिर जाता है और सड़क पर राहगीरों ने अपने मोबाइल पर भूस्खलन को किया कैद। यमुनोत्री हाईवे की आवाजाही यमुना पुल की रोकी गई। बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां पर लगातार हो रही है बारिश और बारिश से अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से 25 मीटर दूर तक बह रही है। अलकनंदा नदी का खतरे का निशान 625 मीटर है, लेकिन नदी यहां खतरे के निशान के करीब 624 मीटर पार हो चुकी है। नदी किनारे स्थित सभी घाट और पैदल रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं। आवासीय भवनों से कुछ ही दूरी पर अब नदी का पानी बह रहा है और लगातार बारिश हो रही है और नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है और खतरा पैदा होने पर घर खाली करने की अपील की जा रही है।
केदारनाथ धाम में यात्रा करने आने वाले सभी यात्री एवं कांवड़ियों के लिए हमारा ये अनुरोध है कि केदारनाथ धाम एवं जनपद रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि यात्री जो है और कांवड़िए बरसात को देखते हुए और मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें, अपने आप को सुरक्षित जगह पर ही रखें, किसी भी पहाड़ी के पास जो है अपने आप को खड़ा ना करें, सुरक्षित जगह पर ही बने रहें। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद है और यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी और बनास के बीच मलबा आने बंद हो गए हैं और वहीं गंगोत्री हाईवे हराली में खीर गंगा उफान में आने से बंद हो गया है, जिस कारण यात्री कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। दोनों धामों में लगभग 3 से 4 हजार यात्री मार्ग में जगह जगह फंसे हुए हैं। बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं उत्तरकाशी में बने हुए, हम आपको वो दिखा रहे हैं, उस पर प्रशासन लगातार मौके पर नजर बनाए हुए है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हनुमान चट्टी और बनास के बीच मलबा आने से यातायात बाधित हुई है, रास्ता बंद कर दिया गया है और ऐसे में मेन रोड से कटान देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो रहे हैं। पानी का सैलाब, पानी की तीव्रता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और बारिश के बाद हालातों पर प्रशासन की पैनी नज़र है और ऐसे में लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि ज़रूरत पर ही बाहर निकलें। बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से शिमला बाईपास के नए गाँव भुड़पुर में जल भराव हो गया है, जिससे कई मकान डूब गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया है, जिससे रात में लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई। लोगों ने छतों पर चढ़कर तो कुछ लोगों ने घर छोड़कर अपनी जान बचाई है और मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने किस तरह से लोगों को पुलिस द्वारा रस्सी के सहारे मकानों से बाहर निकाला। अब बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड 37 में नदी किनारे बसे प्रेम नगर बस्ती में बरसात के चलते कई परिवार दहशत में है। देर रात से हो रही बारिश से दूसरे गांव से जोड़ने वाली मुख्य पुलिया धराशायी हो गई। वहीं उफनाई नदी से होने वाली भूस्खलन और कटाव से बचने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार को तोड़ कई बीघा खेत भूस्खलन की चपेट में आने से बर्बाद हो गए। प्रेमनगर में रह रहे बेघर परिवारों ने सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से स्थायी जगह देने और उन्हें अन्य सुरक्षित जगह देने की मांग की है। तो दूसरे गांव से जोड़ने वाली मुख्य पुलिया धराशायी हो गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर आ रही है धराशायी होती हुई पुलिया की। कोटद्वार से ये तस्वीरें हैं और बारिश का सितम आपके सामने देखने को मिल रहा है। प्रेमनगर बस्ती में दहशत का माहौल है, ऐसे में लोग वहां पर सुरक्षित और स्थायी जगहों की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से स्थायी जगह देने और उन्हें अन्य सुरक्षित जगह देने की मांग कर रही जा रही है। प्रेमनगर बस्ती में दहशत का माहौल है और दहशत की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी में मानसून की मेहरबानी लोगों पर भारी पड़ रही है, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं और प्रदेश के 48 घंटे में प्राकृतिक आपदा में कितनी जिंदगियां खत्म हुई है उससे जुड़ी एक हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप न सिर्फ पहाड़ों में बल्कि देश भर में इस बार मॉनसून मुसीबत बनकर सामने आया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, यूपी में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। शहर दर शहर सड़कें बरसात के पानी से लबालब नजर आ रही है। रिकॉर्ड दर बारिश के चलते रिहायशी इलाके भी घुटनों तक पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें देखिए हरियाणा के अम्बाला शहर की, ड्रोन से पूरे शहर का व्यू लिया गया है,
जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कई शहरों और कस्बों में रिकॉर्ड बारिश के चलते सड़कें और गलियां घुटनों तक पानी में डूब गई है। वहीं सड़क पर बाढ़ के बीच से गुजर रही बस पलट गई और जैसे तैसे पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने क्रेन की मदद से लोगों को बचाया, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। लगातार बारिश के चलते अम्बाला चंडीगढ़ रोड पर जाम के हालात बने हुए हैं और हाईवे पर ज्यादा पानी होने के कारण कई वाहन बंद हो गए, जिस कारण लोग अपने कंधों पर सामान लेकर पानी में से निकल रहे थे। लोगों ने भी प्रशासन के कार्य को लेकर सवाल उठाए हैं और कोई मदद न करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड भी कुदरत की मार से अछूता नहीं है। भारी बारिश से तबाही आपको फिर से 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला देगी, क्योंकि प्रदेश के कई शहरों में बारिश से हाल बेहाल है। धारचूला में लगातार बारिश के बाद एक मकान ढह गया। वहीं टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग दो बाट के पास पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। दूर दराज के गांव में रह रहे ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय में संपर्क कट गया। दोनों ओर दर्जन वाहन जाम में फंस गए, जिसके बाद लोग जान हथेली में रखकर आने जाने को मजबूर हो गए। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। मुरादाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी की पदेन सदस्य के रूप में शपथ ली है और इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने गठबंधन को स्वार्थ के गठबंधन बताया है और कहा है कि विपक्ष चुनाव के समय जनता को गुमराह करने के लिए हर बार गठबंधन बनाती है। और साथ ही उन्होंने जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि जो भी हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से सहमत होकर देश की तरक्की में भाग लेना है चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। तो एक बड़ा बयान आ रहा है भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से। उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी साधा है और विपक्ष के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया है। चुनाव के समय जनता को ये गठबंधन का प्रलाप आवाते लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जानती है तो ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। एनडीए का पार्ट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं इस मत का हूँ कि जो हमसे सहमत है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हमारी विचारधारा के साथ मिलकर देश के प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मैं निजी मेरा मत है हम उसका स्वागत करेंगे। चाहे कोई भी हो हम उनका स्वागत करेंगे, हमारी पार्टी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।